प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग देख चुके हैं। अब जो हमें अगला टॉपिक देखना है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो अब तक हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं, उससे प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, उसका हम लोग को इस चैप्टर में देखना है एप्लीकेशन, कैसे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे हमको बेनिफिट होगा। पहली बात, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है आपके पीएमटी में। हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और एप्लीकेशन से लेके, और ये 4 से 5 क्वेश्चन काफी स्कोरिंग होते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, और आपके नोट्स में जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं उससे बाहर आज तक ना आया है ना आएगा। ओके, दूसरी बात, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एम्स हो, बीएचयू हो या पीएमटी हो, हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कई टाइप्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन कहां वो यूज हो रहा है। कई कोडिंग इसको दिया गया, कई नाम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है रेड बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड ग्रे और व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, फोर्थ है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, अब देखिए ये है क्या, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, दैट मीन्स यूज ऑफ नॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, दैट मीन्स खेती में, कृषि में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। That means क्रॉप का इंप्रूवमेंट करा रहे हैं या प्लांट के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम लोग मेडिसिन के फील्ड में यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अगर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आप इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन करा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेड बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोल देंगे क्या, ग्रे और व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड मरीन मीन्स सी, ठीक है, सी में आप बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ब्लू है पानी, पानी वाला, ठीक है, मरीन, दैट मीन्स समुद्र का पानी कैसा होता है, ब्लू, दैट इज कॉल्ड एज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज मैरीन फील्ड में यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स मैरीन ऑर्गेनिज्म या किसी भी फील्ड में यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मरीन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ क्यों, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ क्यों। अब देखिए पॉपुलेशन धीरे धीरे तो बढ़ रहा है, क्या पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओके, बेसिकली इंडिया में। तो क्रॉप जो है या एग्रीकल्चरल फील्ड वो तो लिमिटेड है ना भाई, फील्ड खेती करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए फील्ड, जगह तो आपके पास लिमिटेड है, लेकिन आप पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो क्रॉप का यील्ड, ठीक है, मींस प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले देखिए क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रोकेमिकल्स। पहले जमाने में क्या अभी भी यूज हो रहा है क्या एग्रोकेमिकल्स, ये भी एग्रोकेमिकल्स है क्या। एग्रोकेमिकल्स दो टाइप का होता है, एक होता है फर्टिलाइजर और दूसरा होता है पेस्टिसाइड्स। मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, ओके, वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं, क्या ज्योग्राफी में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, फर्टिलाइजर क्या करता है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट।
दूसरा, अगर मान लीजिए आपके क्रॉप को कोई पेस्ट हार्म कर रहा है, उससे आप बचा सकते हैं किससे? पेस्टिसाइड से। पेस्टिसाइड्स होता क्या है? दीज आर द केमिकल कंपाउंड विच किल्स द पेस्ट, जो कि पेस्ट को मार देता है। तो ये दोनों चीज आते हैं किसमें? एग्रो केमिकल्स में। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ इससे, इस चीज से हमको प्रॉब्लम क्या हुआ? देखिए भाई, आप ये सब केमिकल्स हैं ना, इसके कारण होने लगा क्या? पॉल्यूशन। ठीक है, बाद में आपको बताएंगे इससे होता था यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। जब पॉल्यूशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है यूट्रोफिकेशन। अब देखिए एग्रोकेमिकल से प्रॉब्लम आया है क्या? पॉल्यूशन होने लगा। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इससे सिर्फ यूट्रोफिकेशन नहीं और बहुत सारा पॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई जो काऊ डंग है, ठीक है, या वेस्ट मटेरियल घर का है आपका, ठीक है, आप वेस्ट में फेंक दो, आप उसको फील्ड में फेंको, ठीक है, वो मैन्योर हो जाएगा, वो खाद का काम करेगा। तो ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस तरह से उसके बाद भी ये उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं पाया। फाइनली लास्ट में आया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दैट मींस क्रॉप्स विथ फॉरेन डीएनए। ये ऐसे क्रॉप्स थे जिनके पास फॉरेन डीएनए था। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक पॉइंट दिया हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन का इसमें बहुत बड़ा रोल था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत सारे टेक्निक यूज किए गए, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इतना जान लीजिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, बहुत सारे टेक्निक्स का यूज किया गया था जिससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। लेकिन इस टेक्निक से, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो चेंजेस आया था, जो चेंजेस आया था, उससे क्रॉप का प्रोडक्शन सिर्फ 3 गुना ही बढ़ पाया था, लेकिन पॉपुलेशन तो और तेज फास्ट ग्रोथ कर रहा है। तो नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन सफिशियंट नहीं है नीड को फुलफिल करने के लिए। फिर फाइनली आया कौन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाता है जीएमओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ, जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब ये दो टाइप का हो सकता है, या तो ट्रांसजेनिक प्लांट हो सकता है, ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट और एनिमल दोनों है ना, या ट्रांसजेनिक एनिमल। एक खास बात देखिए, ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सबको इंक्लूड कर रहा है, प्लांट को इंक्लूड कर रहा है, एनिमल को, लेकिन कहने का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब मॉडिफाई हुआ है, मतलब कुछ चेंज हुआ है। चेंज कहां हुआ है, जेनेटिकली, दैट मींस जीन में। दे आर द ऑर्गेनिज्म विथ मॉडिफाइड जीन, समझ में आ रहा है? दो टाइप के होंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक मींस फॉरेन जीन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी 4 फील्ड में डिवाइडेड है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी अगर हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करें, रेड बायोटेक्नोलॉजी अगर हम लोग मेडिसिन के फील्ड में यूज करें, ग्रे और व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी अगर हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करें, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी अगर हम लोग मैरीन लाइफ के लिए यूज करें। ओके, अब नाउ देखिए एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स क्या है, दीज आर द फर्ट, इट इंक्लूड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, एंड ये क्या करता था, क्रॉप के यील्ड को इंक्रीज करता था, क्रॉप के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता था। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या था, बहुत सारा पॉल्यूशन होता था। फिर आया हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या किए, घर का ही वेस्ट मटेरियल ले जाते थे कहां, फील्ड में,
काउ डंग, ठीक है, या जो भी होता है रोटेन वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह, ठीक है, हम लोग कहाँ फेंकते हैं? फील्ड में, ताकि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। फिर आया कौन? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। ये सब जो चेंजेस आया एग्रोकेमिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इंक्लूडेड है किसमें? ग्रीन रिवोल्यूशन में। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ा पाया था। उसके बाद फिर हमने बताया आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट हो सकता है या ट्रांसजेनिक एनिमल हो सकता है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ने जा रहे हैं, उसका हम लोग डिटेल अभी देखते हैं। चलिए अब हम लोग डिटेल में थोड़ा देखने जा रहे हैं क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये हैं क्या भाई? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दैट मीन्स अ क्रॉप दैट हैज फॉरेन जीन। एक ऐसा क्रॉप जिसके पास फॉरेन जीन हो, या एक ऐसा क्रॉप जिसके पास वो जीन हो जो बाकी क्रॉप्स में एब्सेंट हो, या नॉर्मल क्रॉप्स में एब्सेंट हो। समझ गए ना? समझने की कोशिश करिए ना। नॉर्मल क्रॉप में नॉर्मल जीन है, ट्रांसजेनिक क्रॉप में एक फॉरेन जीन है, तो इसके पास वो जीन है ना जो बाकी क्रॉप्स में नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पे जीन को ट्रांसफर करना है। दैट मींस मान लीजिए एक क्रॉप है, ये क्रॉप है, इसके अंदर आपको फॉरेन जीन ट्रांसफर करना है, ठीक है। दैट मींस याद करिए, जब प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाया था, आपको बताया था ये क्या है भाई? पैसेंजर है। पैसेंजर को दरकार पड़ता है कार का, दैट मीन्स वेक्टर का। तो यहां पे जो वेक्टर यूज होता है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर। ओके, यहां पे जो वेक्टर होता है ना, बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यहां पे जो वेक्टर यूज होता है वो 2 वेक्टर यूज होता है। एक होता है TI प्लाज्मिड, और एक होता है RI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड जो है वो मिलता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, ठीक है। TI प्लाज्मिड जो है आपका मिलता है किससे? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन से। RI प्लाज्मिड जो मिलता है एग्रो बैक्टीरियम राइजोजेनिस से। एग्रोबैक्टीरियम, यार लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनिस से। ये 2 प्लाज्मिड है जो कि यूज होता है बनाने में किसको? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब प्लाज्मिड तो आप भूल चुके हो क्या होता है, क्या सही बोल रहा हूं ना? प्लाज्मिड भूल चुके हैं आप लोग। ये देखिए, ये बैक्टीरिया है, आपके नोट्स में डायग्राम बनाया हुआ है, उसको देखिए ध्यान से। ये बाहर डीएनए बनाया हुआ है, ठीक है। इस बाहर वाले डीएनए को हम लोग बोलते हैं, मींस बड़े वाले डीएनए को बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। और यहां पे एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड भी बोलते हैं। दैट मींस एक बैक्टीरियम के अंदर 2 डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोल रहे हैं, एक मेन जिसको हम लोग क्रोमोसोमल या मेन डीएनए भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब ये जो TI प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है, और ये बैक्टीरियम कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। अब ये देखिए, इस प्लाज्मिड का नाम है क्या? TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड, इसका नाम TI क्यों है, ठीक है? TI का फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग। दैट मींस ये प्लाज्मिड क्या करता है? प्लांट में ट्यूमर को इंड्यूस करता है। ये प्लाज्मिड क्या करता है? प्लांट में ट्यूमर को इंड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये TI प्लाज्मिड है, इसके पास जीन होता है,